नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है, इसे मैं स्टार्ट करने से पहले अपने सभी व्यूअर्स को बता दूं, मैंने अपने एक चैनल पर वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर मैंने यहां पर बताया था कि अगर कोई पुलिसकर्मी यहाँ पर आपको बेवजह तंग करता है, आपके साथ गाली गलौज करता है, मार पिटाई करता है, उस स्थिति में आप उसके खिलाफ किस तरीके से एक्शन ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या आपको पता है अगर कि यहाँ पर अगर आपको सही तरीके से एक्शन लेना आ जाए किसी पुलिसकर्मी के खिलाफ, तो यहाँ पर आप उसकी वर्दी तक उतरवा सकते हैं अगर वो अपनी जगह गलत होता है तो। दोस्तों, मैंने इसी वीडियो को यहाँ पर अपने चैनल पर अपलोड किया था जिसका लिंक आपको मैंने ऊपर डिस्क्रिप्शन के अंदर भी प्रोवाइड करा दिया है। आप यहाँ पर ऊपर कार्ड बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को अभी जाकर देख सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टे ऑर्डर के बारे में बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि आखिरकार स्टे ऑर्डर होता क्या है, उसे किस तरीके से कोर्ट से लिया जा सकता है, यानी कि स्टे ऑर्डर किस तरीके से कोर्ट से लगवाया जाता है, उस स्टे ऑर्डर को लगवाने के लिए क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं, और ये जो स्टे ऑर्डर लगाया जाता है ये कितने दिन के अंदर लगवाया जा सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। अगर दोस्तों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, हम अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर अगर आपको आसान यानी कि सरल भाषा में समझाएं कि स्टे किसे कहा जाता है, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जब भी कोई व्यक्ति यहाँ पर किसी भी संपत्ति से जुड़ा हुआ विवाद, यानी कि अगर उसे यहाँ पर इस चीज का खतरा है कि जो वह संपत्ति है यहाँ पर उसे धोखाधड़ी से बेच दिया जाएगा, या फिर वहां पर कोई धोखाधड़ी से कब्जा कर लिया जाएगा, या फिर वहां पर किसी धोखाधड़ी से कोई कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, या फिर कोई ऐसी चीज पता लगती है कि ये संपत्ति नाम तो किसी और के है पर यहाँ पर इलीगल तरीके से यहाँ पर किसी और के नाम से डॉक्यूमेंट तैयार करके कोई फ्रॉड करने की तैयारी की जा रही है, यानी कि दोस्तों अगर यहाँ पर किसी भी प्रकार का संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई भी तरह का वाद विवाद होता है जिसके तहत यहाँ पर किसी प्रकार की ऐसी घटना यानी कि कोई ऐसी स्थिति क्रिएट होने की कंडीशन बन जाती है कि अगर यहाँ पर समय से उसे रोका नहीं गया तो वहां पर जो स्थिति वहां पर उसके बाद क्रिएट होगी उसका यहाँ पर भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, उस स्थिति को नियंत्रण करने के लिए यानी कि उस स्थिति को उसी जगह पर रोकने के लिए कोर्ट यहाँ पर स्टे लगा देती है। स्टे लगाने का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो स्थिति जिस जगह पर है उसे वहीं की वहीं रोक दिया जाएगा। मान लेते हैं कोई व्यक्ति किसी की संपत्ति पर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन करवा रहा है, यहाँ पर जो उसका असल मालिक है वो यहाँ पर कोर्ट पर पहुंच जाता है और वहां पर जाकर स्टे लगवा लेता है, तो उस स्थिति में जो वो कंस्ट्रक्शन चल रही थी जिस जगह पर वो थी उसी जगह उस पर रोक लग जाएगी, और अगर इस स्थिति में उस जो स्टे लगाया गया उसका कोई पालन नहीं करेगा तो उसे यहाँ पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, जिसकी हम आगे आगे बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, स्टे लगने का सिंपल सा तरीका अगर सरल भाषा में समझाए तो हम आपको यही होता है। अब दोस्तों, यहाँ पर बात आती है कि कोर्ट से स्टे कब लिया जाए। दोस्तों, ऑर्डर 39 CPC यानी कि सिविल प्रोसीजर कोर्ट के ऑर्डर 39 के रूल 1 और 2 के अंदर यहाँ पर स्टे की बात की गई है। स्टे ऑर्डर जो शब्द होता है दोस्तों, ये आम लोग अपनी सरल भाषा के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि स्टे ऑर्डर के अंदर होता क्या है। जैसे कि मैंने वीडियो में आगे आपको बताया ही था दोस्तों, अगर कोई संपत्ति से जुड़ा हुआ वाद विवाद है, वहां पर अगर किसी चीज का खतरा है, मान लेते हैं कोई व्यक्ति उसे इलीगल तरीके से किसी और को बेचने वाला है, इलीगल तरीके से वहां पर कोई कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन चल रहा है, या फिर उस संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई वाद विवाद ऐसा बढ़ चुका है कि वहां पर कोई फ्रॉड होने की खतरा है। इसके अलावा दोस्तों, हो सकता है कोई संपत्ति से जुड़ा हुआ एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट बनवाया गया हो जिसका यहाँ पर गलत फायदा उठाकर वहां पर भी कोई इलीगल पोजेशन या फिर फ्रॉड करने की तैयारी हो,
तो दोस्तों ऐसी स्थिति को रोकने के लिए यहाँ पर कोर्ट से स्टे ले लिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर स्टे के लिए कुछ एसेंशियल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखा जाता है बोनाफाइड, यानी कि जो यहाँ पर जब आप किसी भी कोर्ट के सामने स्टे लेने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर आपको ये इंटेंशन दिखानी होगी कि जो सामने वाली पार्टी है वो अपने मन से ही क्रिमिनल इंटेंशन लेकर बैठी है, यानी कि वो किसी भी अच्छे काम के लिए यहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं कर रही है, उसके मन में कोई इलीगल तरीके का काम करने का ही इंटेंशन है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर कोई इलीगल पोजेशन कर रही है, कंस्ट्रक्शन कर रही है, या फिर किसी और व्यक्ति को वो संपत्ति बेच रही है। बेसिकली अगर आप समझे तो यहाँ पर इसको आप इस तरीके से समझ लें कि जब आप कोर्ट में स्टे लेने के लिए जाते हैं ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 के तहत, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ साबित करनी पड़ती है कि यहाँ का जो सामने वाली पार्टी है वो यहाँ पर जो उनका इंटेंशन है उस प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ वो गलत इंटेंशन है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात आती है पेपर वर्क की। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप कोर्ट के सामने स्टे लेने के लिए जाते हैं तो आपको एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके पास उस संपत्ति के जुड़े हुए दस्तावेज आपके पास है तो ही यहाँ पर आप कोर्ट से स्टे की डिमांड कर सकते हैं। ऐसे तो नहीं होगा कि कोई भी व्यक्ति किसी की व्यक्ति की संपत्ति पर जाकर कोर्ट से स्टे ले ले। अगर यहाँ पर स्टे लेने की बात आती है तो यहाँ पर आपको संपत्ति से जुड़े हुए दस्तावेज दिखाने पड़ते हैं, यानी कि आपको उस प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ जो टाइटल है उसे साबित करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, ये आ गई अब यहाँ पर बात आ गई इंटेंशन की, जो गलत होनी चाहिए। प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर आपको दिखाने पड़ते हैं। और एक और जो कंडीशन यहाँ पर बनती है जिसके भी यहाँ पर स्टे लिया जा सकता है वो यही कि अगर यहाँ पर आपने उसी समय कोर्ट से स्टे नहीं लिया तो आगे जो कंडीशन बनेगी वो यहाँ पर इरिवर्सिबल होगी, यानी कि वो कंडीशन ऐसे क्रिएट हो जाएगी कि उसे वापस पहली वाली कंडीशन में लाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। वो कैसे होगा दोस्तों, मान लेते हैं कोई व्यक्ति यहाँ पर गलत तरीके से कोई संपत्ति बेच देता है, उसके बाद उसे पहली कंडीशन में लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, या फिर कोई व्यक्ति ने यहाँ पर इलीगल तरीके से कंस्ट्रक्शन करवा ली तो उसे पहली कंडीशन में लाना बहुत मुश्किल होता चला जाएगा। तो दोस्तों जो कंडीशन होनी चाहिए वो इरिवर्सिबल होनी चाहिए। दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 के तहत यहाँ पर कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि कोर्ट से अगर आप स्टे लेना चाहते हैं तो कितने दिन का आपको यहाँ समय भी लग जाता है। दोस्तों ये इस चीज पर निर्धारित करता है कि जो आप जिस प्रॉपर्टी पर स्टे लेने के लिए डिमांड कर रहे हैं उस पर जो स्टे दिया जाएगा वो कैसा है। कई जगह इंटरिम स्टे भी दे दिया जाता है, यानी कि उसी वक्त स्टे ऑर्डर दे दिया जाता है। पर दोस्तों बहुत सी कंडीशन क्या होती है, जब आप यहाँ पर स्टे के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन लगाते हैं उस समय यहाँ पर जो सामने वाली पार्टी है उसे भी यहाँ पर नोटिस भेजकर उसे एक हियरिंग के लिए बुला लिया जाता है, जो बेसिकली यहाँ पर 1 से 2-3 दिन के बाद हो जाता है। इस समय में यहाँ पर क्या होता है, इंटरिम स्टे लग जाता है, यानी कि तब तक के लिए स्टे लगा दिया जाता है। उसके बाद जब यहाँ पर सेकंड पार्टी आती है उसकी सुनवाई होती है, उसके यहाँ पर देखे जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर देखा जाता है कि क्या जो यहाँ पार्टी एप्लीकेशन लगा रही है ऑर्डर 39 के हिसाब से स्टे की, क्या वो ठीक है या फिर गलत। उसके बाद यहाँ पर इन दोनों चीजों को देखते हुए कोर्ट यहाँ पर अपना फैसला सुनाती है कि यहाँ पर उसे स्टे दिया जाए या फिर नहीं दिया जाए। इसके अलावा दोस्तों बहुत सी कंडीशन ऐसी भी क्रिएट होती है जहां पर सामने वाली पार्टी को बिना बुलाए ही स्टे दे दिया जाता है। वो इसलिए होता है दोस्तों कि कई बार कंडीशन इतनी ज्यादा सीरियस हो जाती है कि अगर यहाँ पर नोटिस भेजने में टाइम वेस्ट किया जाता है तो जो वहां पर सिचुएशन क्रिएट होगी वो इरिवर्सिबल हो जाएगी, यानी कि वो इतनी वर्स्ट हो जाएगी कि उसे पहली वाली कंडीशन में लाना बेहद ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों ये तो तरीका आ गया स्टे का, और आप समझ ही गए होंगे कि बेसिकली कितने दिन के अंदर स्टे मिल जाएगा। या तो आपके अगर कंडीशन बहुत सीरियस है तो कोर्ट आपको उसी समय स्टे का ऑर्डर दे देगा, या फिर बेसिकली आपको 5 से 6 दिन के अंदर स्टे मिल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर आपके मन में ये सवाल भी आएगा कि अगर यहाँ पर जो सामने वाली पार्टी है वो जो कोर्ट की तरफ से स्टे का ऑर्डर दिया उसे मानने से इनकार कर देती है तो उस कंडीशन में क्या होगा। दोस्तों उस कंडीशन में ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा, और सीपीसी के यानी कि सिविल प्रोसीजर के हिसाब से अगर इस कंडीशन को नहीं माना गया, यानी कि स्टे को नहीं माना गया, तो यहाँ पर उसे 3 महीने का कारावास भी हो सकता है। इसके अलावा जो वो व्यक्ति है जिसकी संपत्ति, यानी कि जो संपत्ति पर जिसको यहाँ पर स्टे दिया गया है उसकी अगर कोई यहाँ पर पर्सनल संपत्ति है तो उसे यहाँ पर कुर्की भी डाला जा सकता है, यानी कि उसकी जो संपत्ति है उसे कुर्की भी यहाँ पर डाला जा सकता है। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों,
उम्मीद करता हूँ वीडियो के अंदर मिली जानकारी आपको बेहद अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो के अंदर मिली जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो ऐसी भी लाऊं जिसके अंदर मैं यहाँ पर ये बताऊं कि अगर कोर्ट ने यहाँ पर स्टे लगा दिया है किसी की संपत्ति पर तो वो स्टे किस तरीके से हटवाया जा सकता है, तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर जल्द से जल्द वो वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा कि अगर मुझे वहां पर कमेंट्स की मात्रा ज्यादा मिलती है इस क्वेश्चन के ऊपर। दोस्तों, अगर आप मुझसे यहाँ पर 1-to-1 ऑन कॉल भी बात करना चाहते हैं कॉल बुक करके, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने आपको अपने ऑफिस का नंबर भी प्रोवाइड करा दिया, वहां पर कॉल करके कॉल बुक करके मुझसे 1-to-1 भी ऑन कॉल बात कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। Thank you.